नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सेवराई से। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सरकार द्वारा भले ही रोक लगा दी गई है, लेकिन इस पद के प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वोटरों को अपने पक्ष में सहेजने का काम शुरू कर दिए हैं। गंगा इस पार के रेवतीपुर, भदौरा और जमानिया ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कई उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोक दी है। जमानिया ब्लॉक के अध्यक्ष पद के लिए प्रॉपर्टी डीलर चंदन तिवारी के मैदान में आ जाने से इस पद की लड़ाई और भी तेज़ हो गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस ब्लॉक से निर्वाचित अधिक संख्या में सदस्यों ने तिवारी को अपना समर्थन कर दिया है। इन सदस्यों के समर्थन से विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। महिला सीट होने के कारण चंदन तिवारी की पत्नी पूजा तिवारी चुनाव मैदान में हैं। स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की पूजा तिवारी समाज सेवा के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। समाज और घर की जिम्मेदारियों का बोझ सरलता से उठाने वाली पूजा तिवारी ने बताया कि क्षेत्र का व्यापक विकास करना ही उनका मुख्य मुद्दा है। जल निकासी, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उनकी कार्यों की प्राथमिकता होगी। नमस्कार, मेरा नाम चंदन तिवारी है। मैं जमानिया ब्लॉक के कुसी ग्राम का रहने वाला हूं और मेरी पत्नी पूजा तिवारी जो जोगियामार और किशनपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते हैं। चंदन जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। विकास, शिक्षा, अव्यवस्था को दूर करने का और अशिक्षा को दूर करने के लेकर के हम लोग मैदान में हैं। देखा गया है कि जमनिया के बहुत से गांवों में जल निकासी की समस्या प्रमुख बनी हुई है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव है, तो इनको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? मैं इनको लेकर के कोई बहुत विशेष टिप्पणी करने के संदर्भ में नहीं हूँ। मैं जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं, बस लोगों में जन जागरूकता का अभाव है या सही सूचना का अभाव है। अगर उन सूचनाओं को ठीक से जन जन तक पहुंचाया जाए तो सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सकता है। चूँकि आप नौजवान हैं तो नौजवानों के लिए कोई ठोस कदम आप उठाना चाहेंगे? नौजवानों के साथ मैं तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं एक व्यापारी भी हूँ, तो मैंने पहले से ही लगभग 300 युवाओं को रोजगार दिया हुआ है अपने माध्यम से, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों में जितनी ऊर्जा है वो शायद गाजीपुर के दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। बस उस ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता है, तो युवा हमारे यहाँ सब कुछ करने में सक्षम है। कोविड संक्रमण को लेकर अपने क्षेत्र के लोग कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं कोविड संक्रमण को लेकर विशेष अपील, मैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, फिर उसी बात पर मैं दोबारा उस पर फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। जितने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। लगातार मौतें हो रही हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मैं विशेष अपील करूंगा लोगों से कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं लोग उनका पालन करें। महामारी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से कम होगा। ठीक, आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।